बिहार में बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। इधर गोपालगंज में गंडक नदी तबाही मचा रही है। तटबंध के अंदर बसे निचले दर्जन भर गांव के लोगों के घर डूब गए हैं। गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट आई, लेकिन बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि खतरे के निशान से नदी 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गोपालगंज में गंडक नदी पिछले एक सप्ताह से निचले इलाकों में बसे लोगों पर कहर बरपा रही है। किसी के मकान डूब चुके हैं तो किसी के घर के अंदर पानी घुस गया। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, ये सब डूब चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। हमने के थी नई के रहे के मचान बना के बांध से लइका से वहीं भिजत भाजत नहीं सो कपड़ा लता सब भिजे ला वहीं सुखावे ला आदमी रहे ला पानी हमनी के सब पानी नदी में अथी में डूब गल भाई पानी आयल बटे वही में डूब गल भाई सब वही में से अपना ले आके आदमी पिए ला खाना वाना बनावे ला। अभी गंडक नदी में जो कल का डिस्चार्ज था, कल शाम तक 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज था, तो जो कि पानी अभी उसकी मात्रा घट रही है लगातार, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन चूँकि 3 लाख पानी है वो हमारे इलाके से डिस्चार्ज करेगा, तो हमने विभिन्न गांवों में अपने सीओ के माध्यम से, विभिन्न प्रतिनिधियों के माध्यम से हमने प्रचार प्रसार कराया है कि थोड़ा भी पानी भरने की आशंका लगे तो तत्काल 1-2 दिनों के लिए पानी रहेगा तो वो घर से बाहर जा सकते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैंप का आयोजन भी करेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में किसी कैंप के आयोजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।